किया हुआ है, तो इसीलिए पहले से अनबॉक्स हो रखा है, क्योंकि लोकल मार्केट से तो परचेस करने के टाइम पे इसको पहले से अनबॉक्स करके दुकान से सिम वगैरह एक्टिवेट करके ही लाना पड़ता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए दोस्तों करते इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट। पहले दोस्तों इसका रिबन तो उतार के रखा है, तो इसको खोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा इसको अनबॉक्स करने के पहले, कि इसका फीचर्स वगैरह क्या है। दोस्तों यू पीपल कैन सी इसमें है क्वालकम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, जिसका है 8nm हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर, 2x2 वाईफाई मीमो एंड इन बॉक्स 33W फास्ट चार्जर, 5000mAh हाई कैपेसिटी बैटरी, 6.67 इंच स्क्रीन, FHD प्लस फुल स्क्रीन डिस्प्ले, इन स्क्रीन कैमरा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, 48MP AI क्वाड कैमरा, 16MP इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा। और दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलता है NAVIC इंडिया सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 ये पहले हम देख चुके हैं, फ्रंट एंड बैक अच्छे इसका फ्रंट में भी है बैक में भी है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर, ये बहुत एक स्मार्ट फीचर्स है, 12V विथ VO Wi-Fi सपोर्ट, उसके बाद 48MP इसका मेन कैमरा, फिर 8MP 5MP 2MP हाई रेजोल्यूशन प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड एंगल मैक्रो डेप्थ लेंसेस, स्प्लैश प्रूफ नैनो कोटिंग, UFS 2.1 स्टोरेज प्लस LPDDR4X रैम। और दोस्तों ये कलर है ग्रीन एंड ग्रीनर, और इसका जो मेमोरी कैपेसिटी है वो है 6 GB ऑफ रैम एंड 64GB ऑफ रोम। तो दोस्तों चलिए बॉक्स खोल के करते इसका और थोड़ा बातें साथ है और देखते हैं असली प्रोडक्ट को। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप लोगों को एक बार इसका बॉक्स का जो ओवरव्यू भी दिखा देता है, ऊपर में लिखा है ब्रांड लोगो पोको, उसके बाद इसका मॉडल नंबर M2 प्रो, उसके बाद मेड इन इंडिया लोगो है यहाँ पे, और बॉक्स के साइड में भी इसका ब्रांड नेम एंड मॉडल नंबर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका MRP वगैरह लिखा हुआ है। तो एक बहुत अच्छा सा टाइप सी USB केबल, और इट्स फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफरिंग पर्पस, और एक बहुत अच्छा सा 33W का चार्जर। देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है यहाँ पे। हाँ 33W का ही चार्जर इसके साथ मिलता है, और वो है दोस्तों ये, दिस वन इज 33W चार्जर जो पोको M2 प्रो के साथ आता है। तो दोस्तों इन सभी को साइड में रखते हुए अभी हम लोग बढ़ते हैं मेन प्रोडक्ट के तरफ। तो पन्नी से बाहर आ गया मेन प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज आवर पोको M2। एंड दोस्तों यू कैन सी द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस, बहुत बढ़िया कलर है ये। एक्चुअली ट्यूबलाइट के लाइट में थोड़ा ब्लूइश लग रहा है, लेकिन इसका कलर है हकीकत में ग्रीन, ये ग्रीन कलर का है। और इसका कैमरा फ्रेम यू पीपल कैन सी
तो इसका जो ओवरऑल ओवरव्यू मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, ये है इसका बैक साइड, ये है इसका साइड, ये है इसका फ्रंट डिस्प्ले, ये है इसका अनदर साइड। और दोस्तों जैसे ही इस फ़ोन का एक फीचर्स है वो है यहाँ पे, यही इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है साइड पैनल। इसको आप दबा के भी ऑन कर सकते हो, इसको प्रेस कर मतलब अपना फिंगर के हिसाब से फिंगरप्रिंट का जो निशानी है उसको यहाँ पे टच करके भी आप इसको ऑन कर सकते हो। और ये है वॉल्यूम अप डाउन की। और दोस्तों पीछे अगर कैमरा फ्रेम की तरफ देखें तो यहाँ पे दिख रहा है 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से एक स्क्वायर शेप में चार कैमरा एक ही कैमरा फ्रेम में यहाँ पे। इसका अगर नीचे वाले हिस्से के लिए बात करें तो दोस्तों यू पीपल कैन सी कि यहाँ पे एक है 3.5 mm हेडफोन जैक, एक है USB टाइप सी केबल पोर्ट, यहाँ पे है माइक, और दोस्तों यहाँ पे है इसका एक स्पीकर के लिए यहाँ पे कुछ होल्स है। ये बाकी फ़ोन के तरह ही मतलब मुझे लगा है। तो दोस्तों ओवरऑल ये फ़ोन तो मुझे अच्छा ही लगा, और इसका जो ओवरऑल दोस्तों फीचर्स है वो मैं एक बार आप लोगों को स्लाइटली बता देता हूँ। दोस्तों इसमें है क्वालकम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, इसमें है इन बॉक्स 33 वाट फास्ट चार्जर अलॉन्ग विथ 5000 mAh बैटरी, 6.67 inches FHD प्लस फुल स्क्रीन डिस्प्ले, इन स्क्रीन कैमरा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 बैक एंड फ्रंट बोथ साइड, 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा सेटअप एंड 16 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा। और दोस्तों यहाँ इसमें और भी एक चीज़ है, वह फ्लैश प्रूफ नैनो कोटिंग एंड DDR4 रैम है इसका, और इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, और डुअल वोल्टी विथ VO5 सपोर्ट है। तो दोस्तों ओवरऑल ये फ़ोन तो मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर इस फ़ोन के बारे में आप लोगों को कुछ कहना है तो आप बेशक मुझे पूछ सकते हो और मुझको बोल भी सकते हो, और मैं आपको फिर से और एक बार बता देता हूँ, ये फ्रंट वाला भी ग्लास फिनिश है और ये पीछे वाला ये भी ग्लास फिनिश है, और दोनों का दोनों ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है।